देश की जनता को प्राथमिकता के हिसाब से वैक्सीन देने की तैयारी भी की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाजत मिल चुकी है। डीसीजीआई से अनुमति मिलने और सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन से कोरोना को हराने की कवायद शुरू हो सकती है। यानी नए साल में भारत से कोरोना का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिवाकर, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के संकट काल में हर छोटी छोटी बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आते रहे और भरोसा देते रहे, और आज उस भरोसे की जीत में ये पहला कदम, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं? जो महाराष्ट्र में स्थिति थी और खास तौर पर मुंबई में जो स्थिति थी, मुंबई कभी थमती नहीं है, मुंबई की ये पहचान है, लेकिन जिस तरह से पूरे लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा देखने को मिला था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों के मन में कोरोना को लेकर जो डर पैदा हो गया था, आज वो कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा, क्योंकि दो वैक्सीन देश को मिल चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई है, कहा है कि देश अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन बनी है उसमें से एक भारत में बनाई गई है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप लोगों के मन में क्या है फिलहाल, अभी क्या आज दिवाली, सचमुच दिवाली है? जी, बहुत ही खुशी और हर्ष हो रहा है आज की, जो है जिस तरह की, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एक वैक्सीन हमारे देश में ही बनाई गई है। इसको लेके थोड़ी सी खुशी जाहिर हो रही है कि अब स्कूल और अदर चीज़ें जो है सामान्य रूप से चालू हो जाएंगी। हम जो अभी जिस तरह जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है कोविड को लेके, उससे छुटकारा मिल जाएगा।